हर किसी के पास एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए को एप्लीकेंट हो या फिर कोलेटरल हो, ये जरूरी तो नहीं। तो जिनके पास कोलेटरल या फिर को एप्लीकेंट नहीं होता, क्या वो एजुकेशन लोन ले ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना को एप्लीकेंट और कोलेटरल के भी एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, और आज हम आपको बताएंगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी को एप्लीकेंट या फिर कोलेटरल नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से लेंडर्स के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, उनके क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, किस सिनेरियो में आप लोन ले सकते हैं, एंड मच मोर। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कोलेटरल और को एप्लीकेंट होते क्या है। सी, कोलेटरल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप बैंक को एक सिक्योरिटी के तौर पर देते हैं, ताकि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक उस चीज को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सके। कोलेटरल में आमतौर पर प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी चीजें आती हैं। बैंक रिस्क फैक्टर को देखते हुए और आपकी कोलेटरल को देखते हुए आपका लोन अप्रूव करता है। नेक्स्ट, को एप्लीकेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ लोन एप्लीकेशन को साइन करता है और आपकी लोन रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करता है। को एप्लीकेंट आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर स्पाउस भी हो सकता है। बैंक को एप्लीकेंट की इनकम और आपका क्रेडिट स्कोर देखकर लोन को अप्रूव करता है। देखो, RBI के रूल्स के हिसाब से कोई भी बैंक बिना को एप्लीकेंट के एजुकेशन लोन नहीं दे सकता, बट विदाउट कोलेटरल आपको तीन टाइप के लेंडर्स लोन दे सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिक बैंक्स। सबसे पहले आएंगे पब्लिक बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक्स सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेकिन इनका लोन अप्रूवल प्रोसेस बहुत स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। इन बैंक्स में आपको केवल 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना कोलेटरल के मिल सकता है। नंबर टू इस प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक्स के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन इनका लोन अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा फास्ट और इजी होता है। इन बैंक्स में आपको 1 करोड़ तक का एजुकेशन लोन विदाउट एनी कोलेटरल मिल सकता है। इफ यू आर गोइंग टू अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट एंड अगर आपके को एप्लीकेंट की इनकम अच्छी है टू सपोर्ट द रीपेमेंट। थर्ड इज NBFCs। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं। इनके इंटरेस्ट रेट्स प्राइवेट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स के मुताबिक काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं। यहाँ आपको विदाउट एनी कोलेटरल 75 लाख तक का लोन मिल सकता है। बट वॉट इफ अगर आपके कोलेटरल के साथ साथ को एप्लीकेंट भी नहीं है? डोंट वरी, इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, विच आर इंटरनेशनल लेंडर्स। इंटरनेशनल लेंडर्स से लोन लेने पे आपको ना ही कोलेटरल की जरूरत पड़ेगी और ना ही को एप्लीकेंट की, एंड ये लेंडर्स आपके टोटल एक्सपेंसेस के 80% तक के लिए लोन दे सकते हैं। अगर हम इन लेंडर्स का इंटरेस्ट रेट देखें तो पब्लिक बैंक्स का इंटरेस्ट रेट 8.5 से 12% तक है, प्राइवेट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट 9.85 से लेके 13% तक है, NBFCs का 10 से 13% है, एंड फॉरेन लेंडर्स का इंटरेस्ट रेट 11% से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि बिना कोलेटरल और को एप्लीकेंट के लिए लोन लेने के लिए कौन से सिनेरियोज हैं और उनमें आपका प्रोफाइल कैसे फिट होना चाहिए। केस नंबर 1, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 3 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कम से कम 35,000 पर मंथ है और आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में है, और अगर आपका कोर्स MS या फिर MBA है, तो आप केस नंबर 1 में एलिजिबल हो सकते हैं। इस केस में आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना कोलेटरल या फिर फाइनेंशियल को एप्लीकेंट के, और इंटरेस्ट रेट 11 से लेकर 13% तक होगा। बट यस, लोन टेन्योर के लिए आपको एक फिक्स डिपॉजिट देनी होगी, जिसमें आप इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे और इस FD के टोटल अमाउंट मोरेटोरियम पीरियड प्लस 1 ईयर के इंटरेस्ट के इक्वल होगी। एंड ऑल्दो फाइनेंशियल को एप्लीकेंट मैंडेटरी नहीं है, तो भी आपको को एप्लीकेंट चाहिए ही होगा। आपके और आपके को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और वो 700 से कम नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एजुकेशन लोन विदाउट को एप्लीकेंट मिल सकता है, लेकिन अगर आप किसी इंडियन लेंडर से लोन ले रहे हैं तो RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक को एप्लीकेंट का होना जरूरी है और उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक नहीं किया जाएगा। को एप्लीकेंट आपकी इमीडिएट फैमिली में से कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड लॉज, सिबलिंग्स या फिर स्पाउस।
केस नंबर टू, फॉरेन लेंडर्स. ये इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, ये यूएसडी में फंड करते हैं, इंडियन रुपीस में नहीं, जैसे कि ऊपर के तीन केसेस में इंडियन लेंडर्स करते हैं. इंडियन लेंडर्स की तरह जहां पे को एप्लीकेंट मैंडेटरी है, ये यूएसडी लेंडर्स आपसे को एप्लीकेंट नहीं मांगते हैं. यूएस में टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इन फॉरेन लेंडर्स से विदाउट एनी कोलेटरल या फिर को एप्लीकेंट के एजुकेशन लोन लेने के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन फ्रॉम इंटरनेशनल लेंडर्स, बट इंटरनेशनल लेंडर्स से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है. जैसे कि इंटरनेशनल लेंडर्स सिर्फ मास्टर लेवल के कोर्सेज के लिए ही लोन देते हैं, बैचलर्स या फिर पीएचडी के लिए नहीं. ये लेंडर्स केवल इन तीन कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, यूएस या फिर कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही लोन देते हैं. इंटरनेशनल लेंडर्स अपने हिसाब से कुछ यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करते हैं, जिनमें से अगर किसी में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको लोन मिल सकता है, वरना नहीं. इन लेंडर्स की एज लिमिट है 30 साल. अगर आप इससे ज्यादा के हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा. एप्लीकेशन प्रोसेस, अब हम ये बात करते हैं कि लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है. आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली आपको कुछ कॉमन स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्टली चेक कि आप जिस कोर्स को पढ़ने जा रहे हो वो बैंक्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किए भी गए हैं या फिर नहीं. और क्योंकि ये लिस्ट सबको अवेलेबल नहीं होती, EduFund, who is partnered with all the lenders, can help you figure this out. Secondly, check कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए और आप खुद से कितना अरेंज कर सकते हो. Next, you need to finalize your lender. इसके लिए आप तीन बेस्ट options चूज कर सकते हो, उनके साथ लोन अप्लाई कर सकते हो और फिर उनके अप्रूवल टर्म्स को कंपेयर भी कर सकते हो. बट बेस्ट थ्री लेंडर्स को चूज करना भी बहुत मुश्किल है, बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट लेंडर्स विद बेस्ट टर्म्स एंड बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स भी ढूंढेंगे. एंड देन आपको बैंक लोन अमाउंट फाइनलाइज करने के बाद आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो. एंड अगर आप EduFund के साथ जुड़ते हैं तो आपको इस स्टेप की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टेप में EduFund आपका साथ देगा. क्योंकि जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप बैंक को प्रोसेसिंग फी दे देंगे, बैंक्स आपको एक सैंक्शन लेटर देंगे. इसके बाद बैंक आपको लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में या फिर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा. नाउ वी नो कि ये पूरा प्रोसेस आपके लिए अकेले करना काफी मुश्किल हो सकता है, और इस प्रोसेस में हम यानी कि EduFund आपकी शुरू से लेके एंड तक हेल्प करेंगे. तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, edufund.in. तो ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, पर अब आइए जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चाहिए होंगे. बिना कोलेटरल या फिर को एप्लीकेंट के लोन लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एडमिशन लेटर, सेविंग्स और फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूफ टू फंड स्टडीज, फाइनेंशियल्स, केवाईसी ऑफ द को एप्लीकेंट, प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एंट्रेंस टेस्ट कोर्स, अदर स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स. तो ये थी कंप्लीट गाइड टू हाउ टू गेट अ लोन विदाउट एनी कोलेटरल और को एप्लीकेंट. तो हमने आपको ये बताया कि को एप्लीकेंट और कोलेटरल क्या होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन से लेंडर्स आपको लोन ऑफर करते हैं, लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, बिना कोलेटरल या फिर को एप्लीकेंट के लोन लेने के लिए कौन से सिनेरियोज हैं, और इंटरनेशनल लेंडर्स से लोन लेने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जरूर कुछ हेल्प मिली होगी. एंड अगर आपको अपने लोन प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो EduFund के साथ आज ही कॉन्टैक्ट करें. हम आपको बेस्ट लेंडर्स, बेस्ट टर्म्स और बेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ एजुकेशन लोन लेने में हेल्प करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.